हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूँ एमजे। अभी शाम के 4 बजे हुए हैं। हल्की सी फ्रेंड्स सनलाइट है मेरे यहाँ। क्लाउडी क्लाइमेट है, बारिश का मौसम है। तो फ्रेंड्स, ये जो सीज़न है, ये सीज़न परफेक्ट होती है हमारे प्लांट्स को रिपोर्ट करने के लिए। जब भी रिपोर्टिंग की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, हम सभी घबरा जाते हैं कि प्लांट हमारा सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, स्ट्रेस में चले जाएगा, लीव्स येलो करेगा, लीव्स गिराएगा। बहुत सारे सवाल आते हैं और हम डर जाते हैं कि यदि हम अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करें या नहीं करें। तो उसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो अभी सीज़न चल रही है, बारिश की सीज़न, ये सीज़न में आपके प्लांट्स इजीली सर्वाइव कर जाएंगे अगर आपने रिपोर्टिंग का थोड़ा बहुत आपने जानकारी ले ली है, इन्फॉर्मेशन ले ली है, तो बाद में आपके प्लांट्स की रिपोर्टिंग होगी, वो सक्सेसफुल होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं स्टार्टिंग में ये बताना चाहता हूँ कि जो तीन चीज़ें हैं रिपोर्टिंग में, यानी कि तीन टाइप की रिपोर्टिंग आप समझ लीजिए। पहली रिपोर्टिंग ये होगी कि आप सीधा अपने प्लांट को एक छोटे गमले में से निकालोगे और रूट बॉल को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करोगे, रूट सिस्टम के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करोगे। उसको सीधा का सीधे प्लांट को एक उससे एक इंच बड़े गमले में उसको डाल के, पॉटिंग मिक्स डाल के आप उसको रेडी कर लोगे और आपका प्लांट चलने लगेगा, यानी कि सर्वाइव कर लेगा। अब दूसरा जो रिपोर्टिंग जो होता है वो थोड़ा सा टिपिकल, वो थोड़ा सा रूट सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने वाला रिपोर्टिंग होता है। यानी कि जैसे ही आपने प्लांट को एक गमले में से बाहर निकाला, रूट बाउंड हो चुके हैं। रूट बाउंड होने की वजह से प्लांट ग्रोथ स्टॉप कर देगा, प्लांट के ऊपर फ्लावर्स ज़्यादा नहीं होंगे। तो आपको लगेगा कि भाई प्लांट ऐसा क्यों कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। तो जैसे ही वो प्लांट को आप बाहर निकालोगे, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको दिखेंगे प्लांट के अंदर रूट बाउंडिंग, और जो प्लांट का जो बेस रहता है, जो रूट बाउल का बेस रहता है, वहाँ पे बहुत सारे रूट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो करना ये होता है तभी कि आपको अपने प्लांट के जो बेस के जो भी रूट्स है उसको हल्की सी नीचे वाली मिट्टी हटा देनी है। ज़्यादा डैमेज नहीं करना है फाइबर रूट्स को। फाइबर रूट्स वैसे भी डैमेज होंगे, अगर आप रूट सिस्टम को थोड़ा बहुत टच करोगे तो ये फाइबर रूट्स टूट जाएंगे। लेकिन फिर भी ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जो टोटली रूट बाउंड हो चुका है, वो हिस्से को आप थोड़ा सा लूज कर दीजिए। जो भी रूट्स है और मिट्टी है, मिट्टी को टोटली वहां से हटा दीजिए और रूट्स को ओपन कर लीजिए, खुला कर दीजिए और उसको सीधा कर लीजिए। ये चीज आपको करनी होगी अगर आपके प्लांट के अंदर रूट बाउंड हो चुकी है। और ऐसे में फ्रेंड्स, आप अपने प्लांट को एक दूसरा बड़ा गमला दे दीजिए। जैसे कि आपका प्लांट 8 इंच के गमले में हो, तो उसको 10 इंच का एक गमला दे दीजिए, या तो 9 इंच का गमला दे दीजिए। तो 1-2 इंच जितना बड़ा गमला आप उसको प्रोवाइड करके पॉटिंग मिक्स डाल के फिर से अंदर डाल सकते हो। अब तीसरी जो रिपोर्टिंग होती है, उसके अंदर हम रूट्स की कटाई करते हैं। जब आपके प्लांट को आपको वही पॉट के अंदर डालना है, सपोज आपने 12 इंच के पॉट के अंदर, जो मेरे हिसाब से जो फाइनल पॉट होता है, 12 इंच के पॉट में अगर आपने प्लांट को डाला हुआ है और वही प्लांट के अंदर, पॉट के अंदर फिर से रूट बाउंडिंग हो चुकी है, प्लांट को आपने बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद आपको रूट की कटाई करनी होगी। कटाई करने में सबसे पहले तो जो सेकंड वाला प्रोसेस मैंने आपको बताया, रूट्स को थोड़ा सा ढीला करिए, नीचे वाली सारी जो मिट्टी होती है वो हल्के हाथ से उसको हटा दीजिए, और बाद में नीचे वाले जो रूट्स होते हैं, जो मोटे मोटे रूट्स होते हैं, वो मोटे मोटे रूट्स की आप कटाई कर लीजिए। और कटाई करने के बाद अगर आपको लगता है जो साइड वाली जो मिट्टी है, साइड वाली मिट्टी थोड़ा सा आप हटा दीजिए हल्के हाथ से, और साइड पे भी अगर मोटी मोटी रूट से रूट सब गोल गोल घूमने लगी है आपके रूट बॉल के, तो वो मोटी मोटी रूट्स को भी आपको कट करना होगा और आपको हटाना होगा। जो पतली पतली जो फाइबर रूट्स होती है, वाइट रूट्स होती है, उसको रहने दीजिए। और ये जो रिपोर्टिंग होता है, ये रिपोर्टिंग में आपके प्लांट स्ट्रेस में जाने की पॉसिबिलिटी उसमें सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। अगर मैं भी ऐसे प्लांट को ट्रीट करूंगा तो मेरे प्लांट भी स्ट्रेस में जा सकते हैं। तो ये तीन टाइप की रिपोर्टिंग मैंने आपको बता दी है कि ये तीनों तीन टाइप की रिपोर्टिंग कर सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपने प्लांट को बाहर निकाल दिया और रूट सिस्टम को छेड़छाड़ कर दिया और बाद में रिपोर्टिंग कर दिया, तो हर एक प्लांट के साथ ये चीज़ नहीं करनी है। जो प्लांट के आपको जो पर्टिकुलर, जैसे कि अभी मैंने बताया, आपको गमला चेंज नहीं करना है और वही गमले में रूट बाउंडिंग बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, तो बाद में फ्रेंड्स आप अपने ये मोटे मोटे रूट्स वगैरह वो कट करके फिर से वही पॉट के अंदर आपको उसको डालना है। लेकिन आपको सिर्फ पॉट चेंज करना है। पॉट चेंज करने का मतलब ये है कि आपको बस नीचे जो बेस में जो बहुत सारी रूट्स जमा हो चुकी है उसको हल्के हाथ से ढीला कर लो, और उससे आधे 1 इंच जितना या तो 2 इंच जितने बड़े पॉट में आप शिफ्ट कर सकते हो।
तो उसमें प्लांट उतना स्ट्रेस में नहीं जाएगा, हल्का सा उसके लीव्स डाउन हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाएगा। और सबसे इजी और सेफ रिपोर्टिंग वो होती है जैसे कि आपने एक गमले के अंदर रूट बॉल के साथ प्लांट को निकाला और सीधा आपने 2 इंच बड़े गमले में उसको डाल दिया, रूट सिस्टम के आपने बिल्कुल भी टच नहीं किया, उसको बिल्कुल भी ढीला वगैरह नहीं किया, मिट्टी वगैरह नहीं हटाई, सीधा का सीधा आपने रूट बॉल डाला है दूसरे गमले में 2 इंच बड़े गमले में और उसके अंदर पॉटिंग मिक्स डाल दी, तो ये प्रोसीजर में आपके जो प्लांट है वो स्ट्रेस में उसके जाने के 90% जितना आपका प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाएगा। तो अलग अलग रिपोर्टिंग होती है अलग अलग केसेस में, ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस हिसाब से प्लांट को ट्रीट करना है। वैसे जो थर्ड केस है, जो तीसरा वाला जो मैंने सिचुएशन बताया, वो बेसिकली बड़े प्लांट्स में होता है, जो प्लांट्स आपके पास ऑलरेडी 3-4 साल से पड़ा हुआ है और आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया है, तो वो जो पर्टिकुलर जो काम करना है वो तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो आपको वो काम करना होगा। मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि रिपोर्टिंग के टाइम आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करने जाते हो तो मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा वेट नहीं रखें। अगर मिट्टी थोड़ी सी ड्राई रहेगी तो इजीली प्लांट पॉट के अंदर से बाहर निकल जाएगा। और अगर आपको मिट्टी हटानी भी हो, जैसे कि मैंने सेकंड केस और थर्ड केस में आपको बताया कि मिट्टी हटानी पड़ेगी और रूट सिस्टम कट करने पड़ेंगे, तो ऐसे केस में इजीली मिट्टी निकल जाएगी। ऐसे केस में फ्रेंड्स आपको अगर रूट प्रूनिंग करनी हो तो रूट प्रूनिंग करके आप अपने प्लांट को फिर से नई पॉटिंग मिक्स में डाल के, नए पॉट में डाल के उसको ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके प्लांट स्ट्रेस में जा सकते हैं तो आपको पेशेंस रखनी है, वो मैं आपको आगे ये वीडियो में बताऊंगा। तो मिस्टेक ये नहीं करनी है कि आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी हो तो चलेगी, लेकिन बहुत ही गीली चिपचिपी कीचड़ जैसी मिट्टी में अगर आप रिपोर्ट करोगे तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। दूसरी और सेकंड इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो आप बहुत सारे लोग करते हैं और मैंने भी की है, बहुत बार की है, अनगिनत बार की है, लेकिन अभी जाके मुझे ये चीज़ का फैक्ट समझ आया है कि ये मिस्टेक मुझे नहीं करनी है। और वो मिस्टेक है जब आप अपने प्लांट को रूट प्रूनिंग करते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, पर्टिकुलरली मैं रूट प्रूनिंग की बात करता हूँ। अगर आप सीधा रिपोर्ट कर देते हो फर्स्ट एंड सेकंड केस वाला अगर सिचुएशन हो तो बाद में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन अगर आपका प्लांट थर्ड केस में हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, रूट प्रूनिंग करनी हो, रूट्स की कटाई करनी हो, तब आप अपने प्लांट के ऊपर कभी भी ट्रिमिंग वगैरह मत करिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब रूट प्रूनिंग करते हैं तभी अपने प्लांट के ऊपर कटाई भी कर देते हैं। उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि जब भी आप अपने प्लांट के ऊपर रूट प्रूनिंग करते हो तो ये जितने भी आपके जो प्लांट के रूट्स है वो एनर्जी स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये प्रोसीजर होता है बेसिकली प्लांट में जब आप अपने प्लांट को रूट प्रूनिंग करते हो, या तो प्लांट स्ट्रेस में भी रहता है तब अपना आपका जो प्लांट है वो हर जगह पे अपना फूड स्टोरेज करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि नोड एरियाज में, ब्रांचेज में, स्टेम्स में, रूट्स में, हर जगह पे वो अपना फूड स्टोर करता है। और प्लांट का जो फूड रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो सॉलिड फॉर्म में वो फूड नहीं रहता। तो जब भी आप कटाई करते हो तो कटाई करने से फ्रेंड्स जहाँ से भी आपने कट लगाया है वहाँ से सारा इवोपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये जितना भी लिक्विड है वो इवोपरेट वहाँ से होना स्टार्ट हो जाएगा और ये जितनी भी प्लांट अपनी एनर्जी स्टोर करके रखता है वो सारी एनर्जी वेस्ट जाएगी, यानी कि प्लांट वीक हो जाएगा। कोई कभी भी फ्रेंड्स ये मिस्टेक मत करिएगा कि जब आप रूट प्रूनिंग करते हो तब आपको ट्रिमिंग नहीं करनी है। तो ट्रिमिंग कब करनी है? ट्रिमिंग आपको एग्जैक्टली तभी करनी है जब आपके प्लांट के ऊपर से नए लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाए, जब नए पत्ते, नई ब्रांचेस वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाए तब आप अपने प्लांट के ऊपर हल्की हल्की ट्रिमिंग कर सकते हो और इजीली तब आपका प्लांट और दूसरी नई ब्रांचेस प्रोड्यूस कर सकता है। मैं थोड़ी सी ये बात करूंगा कि जब आप अपने प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग वगैरह करते हो, रूट प्रूनिंग करते हो, या तो आप अपने प्लांट को पॉट शिफ्ट करते हो, जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड केस, ये तीन केस में ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, आपको अपने प्लांट की रूट ट्रीटमेंट करनी है। ये चीज़ आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए। रूट ट्रीटमेंट में आपको ह्यूमिक एसिड और फंगीसाइड, ये दोनों आपको 1-1 ग्राम के हिसाब से लेना है, 1 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए। पर पॉट 1 ग्राम ह्यूमिक एसिड, 1 ग्राम फंगीसाइड जाना चाहिए वो हिसाब से, यानी कि पर पॉट आप 1 लीटर पानी डाल दीजिए। ये होगी रूट ट्रीटमेंट, ये आपको 3 दिन में एक बार करना है और ये आपको लगातार समझ लीजिए 4 दिन लगातार 4 बार या तो 5 बार करनी है, तो एवरेज 20 दिन के आसपास हो जाएगा। तो 20 दिन तक आपको अपने प्लांट को ये रूट ट्रीटमेंट करनी है। इससे आपके प्लांट के ऊपर से फाइब्रस रूट्स डेवलप होंगे। फंगीसाइड की वजह से आपके जो प्लांट जो स्ट्रेस में चले गए हैं
उसको जो रूट्स है वहाँ पे रूट रॉट के फंगस नहीं लगेंगे, यानी कि रूट सेफ रहेंगे। अगर रूट सेफ रहेंगे तो प्लांट आपका फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सेकेंड चीज़ करनी है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए। दूसरी चीज़ एक मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स के, सपोज सिचुएशन ऐसी आ गई कि आपने प्लांट को रिपोर्ट किया, अगर आपने सिंपल भी रिपोर्ट किया यानी कि फर्स्ट केस जो मैंने आपको बताया था, ऐसे फर्स्ट केस में भी अगर आपने प्लांट को रिपोर्ट किया है, या तो सेकंड केस में किया है या तो थर्ड केस में किया है, कोई भी केस में अगर आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हो और ऐसे में फ्रेंड्स आपका प्लांट एकदम शॉक में चला जाता है, प्लांट के सारे लीव्स गिर जाते हैं या तो डाउन हो जाते हैं, तो उसमें करना क्या है, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एक बार आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हो और अगर आपका प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है, उसको टाइम दीजिए, कम से कम प्लांट को 25 दिन का टाइम दीजिए फिर से रिकवर करने के लिए। तब तक आपको रूट ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखनी है, किसी भी चीज़ें नहीं करनी है जैसे कि ये फर्टिलाइज़र डाल दूँ तो आ जाएगा, ये कुछ भी डालोगे कुछ भी नहीं करेगा, प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है तब कोई भी चीज़ नहीं लेता। ह्यूमिक एसिड की वजह से प्लांट के रूट सिस्टम डेवलप होते हैं, इसलिए ह्यूमिक एसिड काम करेगा, लेकिन उसके अलावा अगर आप कोई फर्टिलाइज़र डालोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो वो अननेसेसरी काम मत कीजिए, इससे आपके प्लांट के रूट्स जो नए फाइबरस रूट्स डेवलप होते हैं फर्टिलाइज़र डालने की वजह से वो फाइबरस रूट्स बर्न हो जाएंगे और आपका प्लांट ख़त्म हो जाएगा, डाईबैक हो जाएगा। और जब भी आपका प्लांट कुछ ऐसे स्ट्रेस में है तो हमेशा चेक करिए रिपोर्टिंग के बाद, अगर आपके प्लांट की मिट्टी में वेटनेस हो, मॉइस्चर हो, तो ज़्यादा पानी मत दीजिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से भी आपका प्लांट मर सकता है। तो जैसे ही आपको लगे कि अपर सरफेस की मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है, उसके बाद ही रिपोर्ट करिए। और अगर बारिश हो रही है तो ओपन में रखिए प्लांट को, कभी भी शेड में मत रखिए। ये बहुत सारे लोग कर देते हैं, रिपोर्टिंग के बाद सीधा शेड में रख लेते हैं क्योंकि बारिश उसके अंदर ना जाए, तो ये 100% गलत चीज़ है। बारिश का पानी अगर आपके ये रिपोर्टेड प्लांट में जाएगा, आपका प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा और जो ग्रोथ रेट है उसकी, यानी कि जो रेट है उसकी रिकवर करने की, वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी, डबल ट्रिबल हो जाएगी। जो प्लांट एक हफ्ते में रिकवर होने वाला होता है, वो बारिश के पानी की वजह से और मानसून की वजह से 2 दिन में या तो 3 दिन के अंदर अंदर रिकवर कर लेगा। तो उसको शेड में मत रखिए, उसको ओपन में रखिए। अब बहुत सारे लोग मीडिया चेंज करते हैं रिपोर्टिंग के वक्त, जैसे ही आपने प्लांट को बाहर निकाला और मीडिया चेंज करते हैं, जो सॉयल वाला मीडिया हटा के कोकपीट वाला मीडिया डाल देते हैं या तो सिंदर डाल देते हैं। तो जब भी आप मीडिया चेंज करने वाले होते हैं फ्रेंड्स, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो पर्टिकुलर मीडिया की आदत पड़ चुकी है आपके प्लांट को, यानी कि वो पर्टिकुलर मीडिया का जो पीएच रहता है, उसके अंदर जो मौजूद न्यूट्रिशंस रहते हैं, उसकी वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है, ये सारी चीज़ों की प्लांट को आदत हो चुकी है। और ऐसे में अगर आप मीडिया चेंज करोगे, उसकी जगह पे आपने कोकोपीट दे दिया या तो आपने सिंडर दे दिया, तो बाद में आपका प्लांट ऑब्वियसली थोड़ा सा स्ट्रेस में जाएगा, वो अपने जितने भी पुराने लीव्स है वो सारे पुराने लीव्स गिरा देगा और बाद में फिर से नए लीव्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही आपके प्लांट के अंदर से न्यू शूट्स, जैसे ही आपके प्लांट के रूट सिस्टम डेवलप करेंगे और फाइबर्स वाइट रूट्स डेवलप होंगे, तो बाद में धीरे धीरे प्लांट न्यू शूट्स डेवलप करेगा, न्यू लीव्स डेवलप करेगा और धीरे धीरे आपका प्लांट रिकवर होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत भूलिए अगर आप मीडिया चेंज करने वाले हो तो। तो उसमें भी सेम ट्रीटमेंट आपको करनी है, जो आपको रूट ट्रीटमेंट जो फॉलो करनी है वो सेम रूट ट्रीटमेंट फॉलो करनी है, लेकिन जब भी आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हो तो हमेशा आपके अंदर पेशेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद अक्सर प्लांट में स्ट्रेस वाली इश्यूज़ देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो बस ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, वो सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए अपने प्लांट को रिपोर्ट करने से पहले। और ये मॉनसून की सीज़न सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि ये सीज़न में प्लांट ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाता और अगर चला भी जाता है तो बहुत ही जल्दी वो रिकवर भी कर लेता है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग और हैप्पी मॉनसून।